डबरा सहित ग्वालियर जिले में हो रही वारदातों को लेकर पूर्व मंत्री इमरती देवी काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए डबरा टीआई को लुटेरा तक कह दिया। इन दिनों यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बचाव किया है, लेकिन स्थानीय बड़े नेताओं पर निशाना भी साधा है। इस वजह से उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है। पिछले दिनों डबरा में एक व्यापारी से 35 लाख की लूट हो गई थी और लूट करने वाले लुटेरे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इसी तरह डबरा में एक जैन समाज के व्यापारी के गोदाम से माल चोरी चला गया है। इमरती देवी के मुताबिक व्यापारी ने स्वयं चोरों का पता लगा लिया और एक को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इमरती देवी के मुताबिक बदमाशों को पुलिस व कुछ नेताओं ने संरक्षण दे रखा है। व्यापारी का माल वापस आ जाने दो, इसके बाद वे सभी बदमाशों के नाम का खुलासा कर देगी। वीडियो में इमरती देवी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो हर जगह रहकर अपराध नहीं रोकेंगे, वे तो अपराधों को रोक रहे हैं। इंदौर में एक टीआई पर कार्यवाही भी की है, लेकिन कुछ नेता हैं जो इन अपराधों को कम नहीं होने देना चाहते। इस वजह से ग्वालियर सहित डबरा में चोर लुटेरे सक्रिय हैं। इमरती देवी अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। उनके वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। जिस तरह से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहते हैं, वैसे ही इमरती देवी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। खास बात यह है कि दोनों ही नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। सर्च किया है, उसमें उनने सवेरे मुझे बुलाया है, फिर एक लड़के को पकड़ा है, उस लड़के ने सारा सामान बता दिया है कि कहाँ कहाँ रखा है। अबे मैं नाम इसलिए नहीं बता रही कि अबे उजागर हो जाएगा तो शायद हमारा सामान नहीं मिलेगा, इसलिए पहले हम अपना सामान ले आएंगे, हमारे जैन साहब का पूरा सामान आ जाएगा। तो खुलासा मैं उन डकैतों के नाम भी बता दूंगी जिसने 8 मेटाटोरा सामान गोदाम में से भरा है, और उन आदमियों के नाम भी बता दूंगी, और सामान भी अपना सुरक्षित जैन समाज का मैं उठवा लूंगी। क्या मानती हो पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती नजर आ रही है? डबरा टीआई खुद लुटेरा है और खुद लूटे करा रहा हूँ। मैं फिर एसपी साहब से कहना चाहती हूँ, 2-4 दिन से जिस आदमी का व्यक्ति का सामान जा रहा था, आज तक एक पुलिस नंजाई मेरे से आने पहले कोई पुलिस नंजाई, जब जैन समाज ने मुझे फोन किया कि मैडम आप आ जाओ हम तो लुट गए, तब मैं सो रही थी और सोत से उठ के यहाँ आई हूँ, और पूरा का पूरा सामान का उजागर हो गया है। एक ही लड़का पकड़ के एक कमरा में बिठा, कल की खुलासा नहीं हो पाया, कल की लूट की मैंने दिया था, इसलिए एसपी साहब ने जो कही थी कि मुझे दो दिना में मैंने कही तुमने ग्वालियर में जो डकैती वापस की है उसमें सिंधिया जी ने तुम्हें बधाई दी है, लेकिन जो डकैती डबरा में हुई है उसकी बधाई कब लोगे? तो एसपी साहब ने कही जल्दी से जल्दी 2 दिन में मैं उसकी बधाई ले लूंगा। मैडम क्या कारण है कि शिवराज सिंह का सुशासन या डबरा में फैल हो रहा है लगातार व्यापारियों को चोर लुटेरे? वो मध्य प्रदेश के मुखिया है, वो घर घर नहीं बैठे, वो बहुत आपने देखा होगा इंदौर में भी उनने एक